मेरे साथ एक मिनट कमरे में आइए, मैं आपको सब बताती हूँ। आइए। कमरे में क्यों? इसका जवाब मुझे यही चाहिए ताकि जिसने भी ये पाप किया है उसकी सजा औरों के लिए एक सबक बने। बताओ ये मच्छी इस घर में कौन लाया? क्या सब एक साथ गूंगे हो गए क्या? बोलो। हाँ बापूजी, बापूजी पहले तो ना आप गुस्सा मत कीजिए ना, गुस्सा आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है बापूजी, शांत हो जाइए। अब ये गलती शौर्वरी से हुई है। लेकिन गलती से हुई है बापूजी, गलती से। शौर्वरी? इम्पॉसिबल, शौर्वरी ऐसा कभी नहीं कर सकती। काश काश बेटा ऐसा ही होता, तेरी जीप पे साक्षात सरस्वती माँ बैठी होती और तू जो कहता वो सब कुछ सच होता। पर खुट्टू नहीं को हम सब सबने देखा बेटा, मैंने, इंदु ने, यहाँ तक माँ ने भी देखा, माँ साक्षी है इस बात की कि ये गलती शौर्वरी से हुई है। बापूजी मैं आपके आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ बापूजी, इसे माफ कर दीजिए बापूजी। अब क्या करे, बचपन से इसने यही खाया है, यही देखा है, अब तो बेचारी माँ बनने वाली है ना, तो ऐसे में तो उसको वही चीजें खाने का मन करता है ना। खोटो नहीं को, पर अचानक से बंगाली शेरनी गुजराती हिरनी तो नहीं बन सकती ना बापूजी। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है, पर जवा दो ने, जब हमारे भानुशाली परिवार ने बंगाली बहू को अपना लिया है तो फिर उसकी पसंद नापसंद उसकी सारी गलतियां सब कुछ अपना लेते हैं बापूजी, जवा दो। ठीक उसी तरह ना मोटी बहन, जिस तरह से आपने अपनी बदमाशियों को अपना लिया है। शौर्वरी ने तो शादी के बाद मछली खाना छोड़ दिया है, पर लगता है कि आपने खाना शुरू कर दिया है। हैं? मतलब? मतलब मछली शौर्वरी ने आपने मंगवाई थी सीता बाजार के चौराहे के एक रेस्टोरेंट से फोन करके, और उसका सबूत ये बिल है। जिस पर ऑर्डर करने वाले के नाम में आपका नाम दिया गया है और फोन नंबर में आपका फोन नंबर। हिंदू, मारी बहन? नहीं नहीं जेठानी जी, जेठानी जी, आपने आपकी बहू को बचाने के लिए अपनी बहन पर इतना बड़ा आक्षेप लगाया बापूजी, ये मैंने नहीं किया बापूजी, ये तो बंगालन ने मेरे फोन नंबर और मेरा नाम का उपयोग किया है बापूजी। वो छुप छुप कर मछली खाती है ना, इसलिए वो अपना नाम क्यों देगी, इसलिए उसने मेरा नाम दिया है, मैंने नहीं खाया ये सब। पर ये मछली की पेमेंट आपके क्रेडिट कार्ड से हुई है, बता सकती हैं कैसे? मैं मानती हूँ शौर्वरी आपका नाम ले सकती है, आपका फोन नंबर दे सकती है, लेकिन आपके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके उसका स्लिप ले सकती है वो? बताइए। पुष्पा कचरा सब उठा लो और फेंक दो। आपने शौर्वरी के रूम के कचरे को तो टटोल लिया, लेकिन अपने कमरे का कचरा भूल गई आप, जहां पर ये रिसीट और ये बिल मिला। कोई नहीं बापूजी, बापूजी ये सब कुछ मैंने किया है, लेकिन बापूजी सच्चाई के खातिर किया है। इसने मछली खाई है बापूजी, और वो इतनी होशियारी से मछली खाती है कि ना डकार लेती है ना कोई सबूत छोड़ती है, इसीलिए बापूजी, इसलिए मुझे ये झूठ का नाटक करके सबूत इकट्ठा करना पड़ा, इसीलिए मैंने झूठ बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया बापूजी, सच कहती हूँ कुछ गलत नहीं किया। आपको याद है ना वो फोटो तो मैंने आपको भी दिखाई थी ना, ये माँ ये तस्वीर तो आपने देखी थी ना,
मछली की होटल के पास शौर्वरी खड़ी थी, तुमने भी देखी थी ना इंदु? पापू जी देखिए, मैं झूठ बोल रही हूँ ना, पर इस फोटो में तो शौर्वरी यहाँ खड़ी है मछली की होटल के पास। बापू जी देखा आपने? ठीक है, मेरे सर पे ठिकरा फोड़ ही दिया है ना, तो ये भी बता दो शौर्वरी यहाँ क्या कर रही है, ये मछली की होटल के पास क्या कर रही है शौर्वरी? है कोई जवाब तुम्हारे पास? शौर्वरी मच्छी के होटल में नहीं गई थी। शौर्वरी इनफर्टिलिटी क्लिनिक गई थी। एक मिनट, इनफर्टिलिटी केंद्र क्यों जाएगी? वो तो पहले से ही मां बनने वाली है ना, और बा वहां तो वही औरतें जाती है ना जो कभी मां नहीं बन सकती, तो फिर शौर्वरी का तो वहां जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ना इंदु? ये सब क्या हो रहा है इंदु, कुछ बताओगी तुम? मैंने बुलाया था शौर्वरी को। पोइनी भाभी का बर्थडे है, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इन्हें सरप्राइज दिया जाए। ये देखिए, हमने उनकी सारी पुरानी फोटोग्राफ्स का कोलाज भी बनाया, देखिए। मेरे बर्थडे का सरप्राइज, मैंने तो कुछ और ही सोचा। पोइनी भाभी, आपकी शक करने की आदत इतनी बुरी है ना कि सरप्राइज भी शौक लगने लगता है। पोइनी, तुझे पता है ना, तेरी वजह से हमने शौर्वरी पर शक किया, उसे कितनी बातें सुनाई लेकिन उसने तब भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि ये अपनी काकी जी का बर्थडे सरप्राइज खराब नहीं करना चाहती थी। क्यों किया हमने तुझ पर विश्वास? बहुत बड़ा तमाशा किया आज तुमने पोइनी, बहुत बड़ा, लेकिन अब बस। हे महाराज श्रीनाथ जी, मैं तो आई आपके पास। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जलपा, अपने मायके वालों से मिलने की तुझे इतनी जल्दी है? अकेले अकेले आगे आगे आगे, अरे साथ में मस्त माइंड ब्लोइंग एंट्री मारने की नहीं? क्या बात है, सबके चेहरे का एक्सप्रेशन देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी महान नाटककार पोइनी भाभी ने कोई एक मस्त माइंड ब्लोइंग नाटक की रचना की है जो हम लोग मिस कर गए। अरे नहीं नहीं भरत कुमार, आपने कुछ मिस नहीं किया है। वैसे भी पोइनी का जन्म दिवस तो कल है, तो जो भी नाटक होगा कल ही होगा। आप तो बिल्कुल चिंता मत करो, क्यों पोइनी? अच्छा अच्छा अच्छा, मस्त माइंड ब्लोइंग नाटक होना चाहिए। मतलब कि मैं बची नहीं, श्रीनाथ जी सबनु भलू करे, पर मेरी जो बैंड बजने वाली थी ना, वो अब कल बजेगी। जन्म दिवस और मरण दिवस दोनों एक साथ मनाया जाएगा। बचा लो श्रीनाथ जी, बचा लो। तुम्हारा होना मेरे साथ होने से कहीं ज्यादा जरूरी था। और रही बात पोइनी काकी की, तो मैंने बुरा नहीं माना उनकी बातों का। इनफैक्ट उनके बदले कोई और होता तो शायद वो भी यही सोचता। थैंक गॉड उन्हें गलतफहमी हो गई थी, वरना मुझे डर लग गया था कि आज तो घर में सब कुछ सच सच पता चल ही जाएगा।
पहली बार पोइनी काकी की गलत फहमी ने हमारा झूठ छुपा दिया और दूसरी बार जलपा बुआ ने। वैसे एक बात अच्छी हो गई कि जलपा बुआ को सब कुछ सच सच पता चल गया है। एटलीस्ट घर में कोई तो है जिनके सामने हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं, और जलपा बुआ से बेस्ट गाइड हमें कोई कर ही नहीं सकता, है ना? शिरोवर, पर कहीं ना कहीं मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ, क्योंकि जलपा बुआ के साथ साथ आज मॉम ने भी तुम्हारे लिए स्टैंड लिया। उन्होंने खुद मुझे फोन करके बताया कि आज तुम्हारे साथ क्या हुआ घर पे, काफी अपसेट थी। देर से ही सही, लेकिन अब सब कुछ अच्छा हो रहा है ना हमारे साथ उस सरोगेट मदर के आने के बाद, है ना? बिल्कुल। आज कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था ना, क्या हुआ, हुआ कि नहीं? हाँ, वो कल सुबह तक हो जाएगा। कल सुबह तक हो जाएगा मतलब? बात तुम्हें पता है ना, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 22 दिन बचे हैं अब। हाँ, 22 दिन बहुत होते हैं। तब तक तुम अपने माँ बनने की तैयारी पे ध्यान रखो, समझी? बाकी सब मैं संभाल लूंगा। वैसे भी कल सुबह मैं उस लड़की को मिलने वाला हूँ। वाह, रात में उनका नाम लेकर रात खत्म हो रही है और दिन की शुरुआत उनकी सूरत देखकर। बिल्कुल, वैसे तुम्हें भी अभी आदत डाल लेनी चाहिए मुझे किसी क्यूट सी फेस वाली, स्वीट सी स्माइल वाली, खुंगाले बालों वाली, पिंक सी रंगत वाली लड़की के साथ देखने की, क्योंकि अब मैं तुम्हें कम ही अकेले मिलूंगा। दिल से दिल तक एक डोर है नाजुक सी, मेरे दिल से तेरे दिल तक। क्या हुआ तुम्हें, तुम्हें जलन हो रही है? ओह बेबी, बुरे हो तुम बहुत। बुद्धू, मैं हमारी छोटी बेटी की बात कर रहा था जो आने वाली है, छोटी शौर्वरी, समझी? तो रोज आ जाती है बाहर, आज कहाँ है कोई नहीं। पापा, मुझे हो सकता है कल की गलती की वजह से कुछ ज्यादा ही डर गई है मोटी बहन। कैसा डर इंदु, और किससे? क्या वो अकेली है? अरे मैं हूँ, तुम्हारी बा है, तुम जितना फिक्र करने वाली बहन और जेठानी है, हम सब उससे प्यार करते हैं इंदु, तो फिर उसे डरने की क्या जरूरत है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बापूजी, पर आज उनका जन्म दिवस है, आज के दिन उनके करने को भुला दीजिए या फिर माफी उन्हें उपहार में ही दे दीजिए। ऐसा नहीं हो पाएगा, तो इस परिवार का मुखिया होने के नाते मेरा यह फर्ज है कि मैं सबको नियमों की एक ही रस्सी से बांध कर रखूं। अरे कोइनी ने जो शोरवरी के साथ किया वो बहुत गलत किया है, और अगर उसके लिए मैं उसे माफी दे देता हूं तो कल कोई और गलती करेगा और उसके लिए माफी चाहेगा, तब ये घर एक नहीं रहेगा बहू, बिल्कुल बिखर जाएगा, और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। पोइनी को अपने किए की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। आशिफ का बर्थडे है। काकी दरवाजा खोलिए ना। अरे माँ, ये क्या बचपना है, अब खोलो भी ना दरवाजा, आपका बर्थडे है माँ। काकी जी, हमें बर्थडे विश तो करने दीजिए, खोलिए ना प्लीज। बर्थडे विश? अब नहीं नहीं, मैं भूले से भी दरवाजा नहीं खोलूंगी। पर क्यों माँ? माँ, बापू जी मुझे छोड़ेंगे नहीं, मैं तो पूरे दिन यही चुप कर रहूंगी। एक आइडिया, ये पाइनएप्पल ट्रफल केक ना उनका फेवरेट, फोटो खींच के भेज दो, आई एम श्योर दरवाजा तोड़ कर आएंगी। काकी जी, दरवाजा खोल लीजिए वरना हम सारा केक खा जाएंगे। एक मिनट, खाना मत, मैं अब बाहर आ रही हूँ। क्यों, वरना ये लोग मेरा फेवरेट केक खा जाएंगे। एक मिनट, कहीं ये
बा बापूजी के सामने लाने की तुम लोगों की कोई चाल तो नहीं ना? नहीं काकी। दादी दादा नहीं है यहाँ पे, आप जल्दी दरवाजा खोलिए। खोलती हूँ खोलती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। काकी जी हमारे अलावा कोई नहीं। हाँ सच में कोई नहीं है, तो आ जाओ अंदर आ जाओ। हाँ अंदर आते हैं, केक काटते हैं। केक लेकर बहुत सरस हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। वो क्या है ना कि तुम दोनों को लेकर मेरे मन में कोई मैल नहीं है। डबल देकर रिश्ता है ना हमारा, एक तो मैं तेरी काकी ऊपर से मासी, और मासी तो माँ जैसी होती है ना, तो माँ समझ के माँ कर दे। अरे हैप्पी बर्थडे। छोड़िए ना, कल की बात थी चली गई, आज आपका जन्मदिन है, एंजॉय करते हैं। शुभ बथरा एंजॉय करूँ? अरे नीचे बापूजी डंडा लेकर खड़े हैं मेरा कोर्ट मार्शल करने के लिए। जब सर पे तलवार लटकी होती है ना, तब कुछ एंजॉय एंजॉय नहीं होता। काकी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं दादाजी से बात कर लूंगी कि वो आपको माफ कर दे। तू पक्का बात कर लेगी ना? सुन तू ना एकदम दिल से बात करना, इतनी अच्छी तरह से बात करना कि बापूजी मान जाए, मुझे माफ कर दे, मुझे बचा लेना, मेरी बहू बचा लेना। एक मिनट, फॉरम कहाँ है मेरा गिफ्ट? केक वेक तो बहुत अच्छा था, लेकिन गिफ्ट ऐसे खाली हाथ झुलाते हुए चली आई। वैसे तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करती है, हाँ याद नहीं आई अपनी सास माँ की? तुमने सोचा होगा कि मैंने तो अपने आप को कमरे में बंद कर दिया है, तो तुम्हारा गिफ्ट बच जाएगा। हेलो हेलो मिस्टर भानुशाली, मैं हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। कल जिस लड़की को आपने एडमिट करवाया था उसके केस में कुछ इमरजेंसी आ गई है, तो आप प्लीज तुरंत आ जाइए यहाँ पे। वो ठीक तो है ना? सर आप यहाँ आ जाइए जितनी जल्दी हो सके। ठीक है मैं पहुँचता हूँ। क्या हुआ? कुछ जाना होगा। अचानक सब ठीक तो है? सर के मदर से रिलेटेड कुछ, मैं तुम्हें फोन करता हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बाय। टेनी 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 कहाँ चली गई? नहीं भाग तो नहीं गई? अरे भाग गई होती तो अच्छा होता, लेकिन वो तूफान अभी भी यही है। क्या कह रहे हो तुम लोग, और तुम लोगों का ये हाल? अरे उसने तो बनाई हमारी ये हालत। देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप उसे लेकर जाइए प्लीज, और हमें ना इलाज का भी चार्ज नहीं चाहिए, हम चेन्नई इकट्ठा करके आपको देंगे। क्या कह रहे हो, है कहाँ पर वो? हम सबके याद करके वो अपने आप को बाथरूम के अंदर बंद किया हो। ठीक है मैं देखता हूँ। इमरजेंसी बेल उधर है, आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। ओके थैंक यू। टेनी दरवाजा खोलो। क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो, सब लोग बाहर चले गए। अरे तो तुम क्यों खड़ा है? तू भी चला जाना, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम सबको। कल रात को मैंने गप मिटाने के लिए दो घूंट दारू सू मार ली, तो मुझे नशे में समझ के चकाचक हॉस्पिटल में ले आए और मेरी किडनी निकाल ली। ये तुम क्या कह रही हो? अरे क्या क्या कह रही हूँ, मेरी किडनी निकाल ली, किडनी दुनिया हाथ धो के पीछे पड़ गई है। टेढ़ी पैसा कमाती हूँ तो पैसा छीन लेते हैं, थोड़ी सी वो भी अपने पैसे की दारू मारती हूँ तो मेरी किडनी निकाल लेते हैं। सुनो मेरी बात सुनो, देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी? अरे वायला काहे की गलत फहमी? अच्छा ये बताओ कि बेची कितने की? हाँ क्या? अरे मेरी किडनी और क्या, अभी ऊपर से बाहर आने को बोल रहे हो, अभी मैं बाहर आऊंगी तो पता नहीं मेरा गुर्दा फेफड़ा जिगरा सब निकालोगे। एक सेकंड, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हें लगता है किसने तुम्हारी किडनी निकाल ली है?
अगर तुम्हारी किडनी निकाली होती तो तुम्हारे पेट पे निशान होता, ऑपरेशन का कट होता, उसके बाद स्टिचेस लगे होते। है तुम्हारी बॉडी में कोई मार्क? अरे यार यहाँ पे कोई किडनी नहीं निकाल रहा है। तुम मेरी गाड़ी पर बैठी थी, वहां से गिर गई थी, चोट लग गई तुम्हें, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। तो तू मुझको क्यों लेके आया? तेरे को भी मुझसे कोई मतलब ही होगा ना, क्योंकि बिना फायदे के तो कोई कुछ नहीं करता। भगवान चाहे किसी के लिए कुछ कर ले, लेकिन भगवान टेनी की तो बेमतलब की मदद भी नहीं करेगा। मेरे को पता है तेरे को भी कोई मतलब है, बोल अपना मतलब। टेनी, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। अब मैं दिल से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। तू मेरी मदद करेगा ना, तो मेरे दिल से दुआ निकलेगी, और दिल से निकली दुआ दिल तक जाती है। हाँ जा। पार्थ भानुशाली, तू लेके आया मेरे को यहाँ पे? हाँ मैं लेकर आया हूँ तुम्हें यहाँ पे, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ। हाँ जानता है ना तू मुझे, क्योंकि मैंने तेरे से पैसा लिया था, लेकिन वो पैसा मेरी बेन, मेरी सहेली पारुल, वो चुरा के भाग गई। वो कनेक्शन था तेरा मेरा, लेकिन वो कनेक्शन ना क्रॉस कनेक्शन हो गया और फ्यूज उड़ गया भानुशाली, फ्यूज उड़ गया। टेनी, तुम्हें अमेरिका जाना है ना? हाँ। मैं तुम्हें अमेरिका भेजूंगा। तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, और 10 लाख रुपए दूंगा मैं तुम्हें। 10 लाख? सुना तुमने, 10 लाख रुपए दूंगा मैं तुम्हें। 10 लाख? हाँ 10 लाख। मजाक तो नहीं कर रहा, सच में देगा? हाँ मैं तुम्हें सचमुच 10 लाख रुपए दूंगा। जय माता जी की। मेरे को तो मालूम था कि माता जी एक दिन मेरी जरूर सुनेगी, पर मैंने तो तेरे को उल्लू बना के तेरे से 2 लाख रुपए लिए, तो फिर तू मेरे पे ये मेहरबानी काय को करेगा? देखो मैं ना तो तुम पर कोई एहसान कर रहा हूं, ना ही कोई मेहरबानी, मैं बस तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूं, और उस सौदे का पूरा होते ही मैं तुम्हें पूरे 10 लाख रुपए दे दूंगा। ऐसा कौन सा सौदा करने वाला है भाई तू, जो जिसके लिए तू मेरे को 2 लाख रुपए देगा? कोई मर्डर वर्डर तो नहीं करवाने वाला है तू? जो भी काम कराऊंगा वो पूरी तरह से लीगल है। हाँ, तो फिर फटाफट बोल दे, 2 लाख रुपए के लिए तो टेनी अब भी इसी वक्त कुछ भी करेगी। टेनी, वो मैं चाहता था कि तुम मेरे लिए, हमारे लिए, मेरे और शौर्वर... तेरा रिकॉर्ड क्यों अटक गया? तेरे को तकलीफ हो रही बोलने में? तो मेरी बात सुन, जब भी कभी तकलीफ हो ना कुछ बोलने में, तो एक गहरी सांस लेने का और एक बारी में भूल डालने का। चल साबा, बोल बोल बोल। ठीक है, टेनी क्या तुम मेरे बच्चे की मां बनोगी?